जैसा आपने कहा मैं ट्रकों में गुंडे ला रहा हूँ। सीधे संयुक्ता के घर जाओ, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। ख्याल रहे, उसको तुम्हारे बारे में पता ना चले, मैं भी आ रहा हूँ। समझ गया मामा। मुझे वहाँ 5,000 लोग दिखने चाहिए, उन्हें कैसे और कहाँ से लाना है तुम देखो। इंतजाम हो जाएगा भाई, अब या तो आर या पार, लेकिन उससे पहले मैं उस पुलिस वाले से निपटूंगा। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक है, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, तुम बस लड़कियों को लेने आ जाओ। ओके अंकल, तुमने क्या सेट कर दिया? मैंने पीछे का दरवाजा खुला रखा है और लड़कियों को प्रोग्राम समझा दिया, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो जल्दी आओ। शुक्र है पापा, कोई नहीं। पापा, जाओ। पापा, पर मम्मी क्या कहेंगी? तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। पशुपति इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। पता नहीं कल सुबह क्या होगा, तुम्हारी माँ बहुत ही जिद्दी है, उसकी जिद के लिए अपनी जिंदगी खराब मत करो। जाओ बेटी, चली जाओ। पर पापा, भाई इसमें जाओ। हम लोग माया को यहाँ से भेजकर अच्छा किया, हमने भी लड़कों को यहाँ बुलाया है अपनी बेटियों को यहाँ से ले जाने के लिए। हमने अपना काम कर दिया, बाकी भगवान भरोसे। घर के बाहर तो ऐसी भीड़ लगी हुई है जैसे कोई सेल लगी हुई हो, अब लड़कियों को कैसे भगाएंगे? पता नहीं। कौन हो तुम लोग? हमें अंकल ने भेजा है। ओ, मुझे भी अंकल ने ही भेजा है। आ जाओ, चलो अंदर चलो। मामा दिखने में ढीले डाले से लगते हैं पर प्लानिंग उनकी सॉलिड है, देखो कितने लोगों को बुलाया है यहाँ पर। बहस करने का वक्त नहीं है, घर वापस चलो। मैं नहीं जाऊंगी, कोई मजाक है क्या? पापा ने यहाँ भेजा और तुम घर वापस भेज रहे हो। मैं अब तय करके आई हूँ, चलो हम किसी मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। आंटी मुझसे नफरत करती है, ये करूंगा तो नफरत बढ़ जाएगी, फिर ये परिवार कभी एक नहीं हो पाएगा। मेरी बात मानो माया। आजा आजा सब लोग, आजा सब लोग, आजा। ये कैसा सिग्नल है? सिग्नल नहीं, हिचकी है। ए, नाक बंद करने से हिचकी नहीं, सांस बंद होती है। पता है, मैं इसका मुंह बंद कर रहा हूँ, अगर इसका मुंह खुला तो हमारी सांसें बंद हो जाएंगी। एक सेकंड रुक। ये ले पानी। इतना मत भर, निकालेगा कहाँ? वो यहाँ नहीं है, संजय के पास गई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे वहाँ भेजने की? अंदर क्या हो रहा है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तुम्हें मालूम है क्या प्रॉब्लम है, क्यों चिल्ला रही है ये? भाई फ्रिज में और भी बोतलें थी क्या? नहीं सिर्फ एक ही बोतल थी। तभी तो मैडम को लगा पति पानी पी गया, उन्हें ठंडा पानी पीने की आदत है ना, इसलिए चिल्ला रही है। बेटी की खुशी के लिए हिम्मत नहीं बल्कि दिल में प्यार होना चाहिए। अब तुम भी मुझसे बगावत पर उतर आए, मैं कहती हूँ इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे भाई एक बात बताओ, ये गुस्से से उंगली क्यों दिखा रही है? क्योंकि वो बॉटल भर के रखना भूल गए ना, इसलिए धमकी दे रही है। तुम सत्या गए हो क्या? क्या हुआ, सब ठीक है? इन्होंने माया को संजय के घर भेज दिया। मैं होती तो भी यही करती, कम से कम वो तो खुश रहे। तुम तो कहोगी उसे 9 महीने मैंने कोख में पाला है, इसलिए दर्द मुझे ही होगा। बेचारी भूखी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, पानी पीकर गुजारा कर लेती और तू सारा पानी पी गया। लेकिन किसी को पानी पिलाने से तो पुण्य मिलता है। खुद की बोतल से पिया होता तो, अब उसकी बोतल से पिया तो पाप तेरे सर। लेकिन भाई दिया तो तुमने था ना, तुझे जहर देंगे तो पी लेगा क्या? माया चली गई, तुम जानते हो? नहीं मैडम, मैं नहीं जानता। नहीं जानते तो पगार क्यों बाकी लेते हो? जब तक चोर नहीं मिलता तब तक वो चुप नहीं बैठेगी। पानी पिया है, कोई खून तो नहीं किया ना, फिर भी मैं उसके पैरों में पड़कर माफी मांग लेता। मैडम गुस्से में अभी मत जा, नहीं तो जान से मार डालेगी। मेरे लिए खानदान की इज्जत सबसे बढ़कर है। बाप रे बाप, इतना गुस्सा, अब पता नहीं क्या करने गई है। मारे हो? मैंने इससे पहले ही कहा था पानी खरीद ले, पानी खरीद ले, मगर ये नहीं माना, नहीं माना। छोड़ो मुझे। दीदी रुक जाइए। अरे क्या कर रही हो? जाने दो, मुझे जाने दो। अभी माफी नहीं मिली तो मुझे मौत मिल जाएगी। हटो हटो। अरे लेकिन तुम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था एक ही बोतल है, मुझे माफ कर दीजिए। आप जिसे गोली मारना चाहती हैं वो पापी मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। उसके पैर क्यों पड़ रहा है? मामा, मामा, मुझे बचा लो मामा, ये मुझे मार डालेगी। ये इसे गली क्यों मिल रहा है? अरे यही तो हमारे बॉस के अंकल हैं। इसका मतलब हम अपने दुश्मनों से घिरे हुए हैं, हम तो बुरी तरह फंस गए। मामा अपने दो आदमी और हैं, उन्हें भी बचा लीजिए ना। अरे तो किसकी बात कर रहा है? उन दोनों की। गली गली से पकड़ो उन्हें। रुको, वो मेरे आदमी थोड़ी है, उसके आदमी है। कहाँ है तुम्हारी बेटी, मेरी होने वाली बहू? वो यहाँ नहीं है, वो संजय के पास चली गई है। उस दिन वादा करके आज उसे मुकर रही हो, यही था तुम्हारा प्लान? उस दिन तुम्हारे बाप को मारने के बाद अगर मैं तुम्हें भी मार देता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। बेटे मैंने जो भी किया तुम्हारे
उसे रोको। अरविंद, आपके जीते जी मैं एमएलए नहीं बन सकता। लेकिन उन्हें मारा मैंने, जैसा मैंने चाहा, तुम्हारे बाप की गद्दी भी हासिल कर ली। उस दिन से आज तक एमएलए मैं ही रहा हूँ, लेकिन आज तक लोग मुझे तुम्हारा नौकर ही बुलाते आए हैं, पर आज के बाद मैं तुम्हारा समधी कहलाऊंगा। अगर मैं हारूंगी तो ना? तू मरेगी तो भी। आंटी पर किसने हाथ उठाया? मेरे पापा ने उठाया। क्या कर लेगा बे? ये तो खाएगा। खा लिया। मेरे पापा के लिए श्यामनाथ जी भगवान थे। मेरी आंटीज को उन्होंने बहन जैसा प्यार किया, उन्हें नाजों से पाला, एक भी खरोच उन पर नहीं आने दिया, और उन पर तुमने हाथ उठाने की हिम्मत की? किसी जमाने में पानी की जगह दारू से नहाता था मेरा मामा, और आज उसी पानी के लिए उसकी धुलाई हो रही है। गुनाह मैंने किया है, मुझे मारी है, उससे क्यों मार रही है? इसकी फाइट देखकर चाइना का कंग फू याद आ गया। ये है असली मर्द। इसे ऐसे फाइट करना मैंने ही सिखाया है। 5 मिनट रुक जाओ, तुम्हें भी एक डेमो दिखा देता हूँ। देखो वो हमारे लिए जान पर खेल कर लड़ रहा है। मेरा तो दिल करता है कि इससे अपनी बेटी की शादी करवाऊं। और उसे ले आए। मैंने गांव वालों के सामने बोला था मैं जल्द ही कंधों पर सवारी करके आऊंगा। अब नीचे उतर। चलो मारने के लिए पकड़े मिल गए। इन दोनों ने जब भी मेरी मदद की है हमेशा मेरा पत्ता काटा है। एक रुक जा, मैं मार दूंगा इसे। तो मार देना। कैसा आदमी है, कुछ परवाह नहीं तेरी? ये एक नंबर का कमीना इंसान है। पहले इसने मेरी गर्लफ्रेंड छीन ली थी, फिर ऊटी में मेरी नौकरी भी छीन ली थी, अब मेरी जान जा रही है वो भी इसी की वजह से। क्या सॉलिड पीस है। क्या कहा? मैं लकड़ी की बात कर रहा था, आप भी कम नहीं है। उनकी हिम्मत तो देखो, पुलिस वाले को ही बांध दिया। मुझे अपनी लाइफ का सच्चा प्यार यहाँ क्लाइमैक्स में आके मिलेगा, सोचा नहीं था। और इसकी चिकन रोल, वेज रोल, पनीर रोल सुना था, प्यार का रोल तगड़ा है, ये प्यार का रोल मैं रोज खाना चाहता हूँ। सॉस बाकी था। पट्टी बांधती हो? चाहे पूरी दुनिया कट्टी कर जाए, तेरे साथ कट्टी वट्टी नॉन चवट्टी खेलूंगा। यू हॉट टी।
भी छूट रही है क्या? तो फिर घर में एसी लगाते ही क्यों? अच्छा ये बताओ, वो लाल छड़ी मैदान खड़ी, दुश्मनों पर जो भारी पड़ी, दिखने में है फुलझड़ी, बताओ वो कन्या कौन है? इस घर की छोटी बेटी है। छोटी बेटी है? मुझे लगा तीन भाइयों को तीन पत्नियां मिल गई हैं, लेकिन यहाँ तो एक छोटी पीस बाकी है, वो छोटी जो बनाएगी मेरे घर दाल रोटी। सिर्फ एक नहीं, पूरे 5,000 लोग मंगवाए हैं तुम्हें मौत के घाट उतारने के लिए। अब दिखाता हूं तुम्हें मौत का तमाशा। आजा बाहर, आजा आजा, अरे आओ ना। मारने के लिए बुलाया? और पैसों में नहीं, असली मर्द में होता है वो, तू नहीं संजय। तुमने हम सबको क्यों मारा? इन्होंने मेरी आंटी पर हाथ उठाया। वो तो इसने किया ही, साथ ही तुम्हारे दादा की मौत का जिम्मेदार भी यही है। तुम्हारे पापा को झूठे इल्जाम में फंसाने वाला और तुम्हें अपने परिवार से दूर रखने वाला यही दरिंदा है। अब तो लेने के देने पड़ गए हैं।